बात तो आया सलावात से और फिर मानिए सलावात तक पहुंची और फिर कहीं और पहुंच गई। असमें जब आप, ये दुनिया ऐसी है ना, ये आलम आलम अवदाद है, ये दुनिया अवदाद और नवाकिफ का आलम है। जिद्द नकीद यहां मौजूद है, एक दूसरे की जिद चीजें मौजूद हैं, अजदाद का आलम है ये। और इसलिए जब खैर का तस्करा होता है तो शर का तस्वूर उभरता है, और जहां शर वजूद रखता है अगर इंसान सालेह है तो उसके लिए खुद ब खुद खैर का तस्वूर उभरता है। और यही इंसान की आजमाइश है कि वो हर हाल में खुद को जहन से लेकर अमल तक, फिक्र से लेकर अमल तक, नजरिए से लेकर निजाम व अमल तक खैर का पाबंद रखे, खैर के साथ वाबस्ता रहे। जिंदगी के किसी भी मसले में शर से समझौता ना करे, शर से समझौता किसी भी मरहले में, शर से या बातिल से समझौता करने का मतलब यह है कि खुदा से, रसूल से और मोहम्मद वाले मोहम्मद से बगावत, इन्हेराफ, इन्हेराफ, बगावत, छोटा मसला हो या बड़ा मसला। और ये याद रखें लोग, मौलाना दुनिया है, मौलाना क़िबला दुनिया है, जनाब मुझे भी मालूम है दुनिया है, और भी तो इसी दुनिया में था। हुर इब्ने यजीद रियाही इसी दुनिया में था, जुहैर कैन इसी दुनिया में थे, वहाब, उमैर, हबीब, मुस्लिम इब्ने औसदा सब इसी दुनिया में थे। ये मासूमों के नाम तो नहीं ले रहा हूं मैं, आपके यहां मासूमों की फेहरिस्त में तो नहीं है, लेकिन ये और बात है कि इस तरह से ये वाबस्ते दरे मासूम हो गए कि जिस तरह आज हम मासूम को अलैहिस्सलाम कहते हैं उसी तरह इनमें से हर एक को अलैहिस्सलाम कहते हैं।